इग्नू के जो ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हैं या फिर जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हुए हैं या किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम में एबसेंट हो गए थे, दिया नहीं था, तो अब इग्नू के अगले एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में होने वाले हैं और आप लोगों का अगर स्पेन पीरियड ख़त्म नहीं हुआ तो आप इन दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो एज़ पर पॉइंट नंबर 4। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो बैक एग्ज़ाम का फॉर्म है या आप कह सकते हो एबसेंट वाले बच्चों का फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है दिसंबर में एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए। तो सबसे पहले तो इग्नू के जो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है वो फ़िलहाल 15 अक्टूबर है विदाउट एनी लेट फी, और 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच अगर फॉर्म भरते हो तो आपके 1100 रुपये लेट फाइन लगेगा। चूँकि आप बैक स्टूडेंट हो तो आपको फ़ी तो पता ही होगा, 200 रुपये पर सब्जेक्ट की फ़ी है। अब जितने भी पेपर में आपको अपीयर होना है उस हिसाब से आप लोगों की फ़ी जाएगी। अगर कोई प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल का कॉम्पोनेंट है तो उस हिसाब से आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। अब देखिए मैं आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपको ये पता ही होगा, जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो सेंटर आपने चूज़ करा है वही सेंटर आपको अलॉट हो। अगर आप देरी करते हो फॉर्म भरने में तो हो सकता है जो आप सेंटर लेना चाहते हो वो सेंटर आपको ना मिले। तीसरी बात यहाँ पर एबीसी आईडी की ही है, एबीसी आईडी की बात मैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में ही आपको समझा दूंगा, बाकी यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, आप गाइडलाइंस को प्रॉपरली रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ पेमेंट वगैरह में दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप लोगों की ईमेल आईडी वगैरह है, इनसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ इन सभी अंडरटेकिंग को रीड करने के बाद मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा और प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करूंगा। यहां पर मैं अपना इनरोलमेंट नंबर लिखूंगा, प्रोग्राम सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर रीजन सेलेक्ट करूंगा, यानी कि जिस स्टेट में जिस रीजन में मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ वही यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मेरा एडमिशन कहाँ का है, ठीक है। और उसके बाद कैप्चा कोड की मदद से सबमिट करूँगा। इतना करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो या नहीं वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। करना चाहते हो तो येस पे क्लिक करके न्यू एड्रेस लिखना पड़ेगा, देन डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जाएगी, ईमेल आईडी आपसे पूछी जाएगी, क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो ये पूछा जाएगा, आधार नंबर देना चाहो तो दे सकते हो वरना कोई दिक्कत नहीं है, जेंडर और मोबाइल नंबर, और यहाँ पर जो एबीसी आईडी है वो आपसे पूछी जाएगी। अब एबीसी आईडी का केस ऐसा है दोस्तों, अगर आपकी एबीसी आईडी बनी हुई है तो आप येस पे क्लिक करोगे और अपनी एबीसी आईडी मेंशन कर दोगे, ठीक है, जो भी आपकी आईडी है। और यदि आपकी एबीसी आईडी नहीं बनी हुई तो आप अपना आधार नंबर यहाँ लिखोगे और जो आधार से फ़ोन नंबर आपका लिंक है वो यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है, आधार नंबर नहीं सॉरी आधार में जो आपका नाम है वो लिखोगे और जो आपके आधार से फ़ोन नंबर लिंक है वो लिखोगे और इसको हम सबमिट कर देंगे, ठीक। इतना करने के बाद दोस्तों नीचे अब आपका ऑप्शन आएगा कोर्स को सेलेक्ट करने का, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, यहाँ पर आपको वो सारे सब्जेक्ट दिखाएगा जिसमें आप अभी तक एग्ज़ाम्स में अपीयर हो चुके हो या फिर री रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, वो सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन आपको दिखाएगा। आपको केवल वही सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं जिसमें आप एब्सेंट या फेल हुए थे, जिसमें आप पास हो उसे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा आप लोग। तो सीरियल नंबर के हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है पहले कोई सेलेक्ट करो या पहले कोई सा, जितने भी में भी आप फेल हो वो रेंडमली नहीं, मतलब वो अपना सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लो आप लोग, जितने भी 4-5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन तो येस ही रहेगा, अब वो असाइनमेंट पहले सबमिट कर रहे हो बाद में वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके बाद फिर सबमिट बटन पर क्लिक करोगे देन आपके सामने समरी आएगी कि हाँ ये डिटेल्स आपने दी हैं, उस समरी को चेकआउट करके फ़ीस भर दीजिएगा। आप फीस भर देते हो एग्ज़ाम फॉर्म की तो आपके पास इमीडिएटली रिसिप्ट आ जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते तो एग्ज़ाम फॉर्म को लॉगिन करोगे तो यहाँ पर कंट्रोल नंबर का एक ऑप्शन आएगा, उस कंट्रोल नंबर पे क्लिक करके आप अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकती हो, ठीक है। बाकी यही सब था इस वीडियो में। पेमेंट करने के बाद एटलीस्ट 72 आवर्स का वेट करो, अगर 72 आवर्स में भी पेमेंट करने के बाद 72 आवर्स में भी आपका रिसिप्ट नहीं आता है तो आपको दोबारा पेमेंट करनी होती है और जो पुरानी वाली पेमेंट होती है उसके रिफंड की रिक्वेस्ट आपको डालनी होती है, ठीक है। लेकिन प्लीज़ 72 घंटे के अंदर मत कर देना दोबारा पेमेंट, कहीं डबल पेमेंट हो जाए आपकी, फिर पहले वाली पेमेंट ही एक्सेप्ट हो जाए फिर दूसरी पेमेंट के लिए आप रिफंड की रिक्वेस्ट में परेशान रहो, तो ये चीज़ों का आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देने आए थे कि जो बैक एग्ज़ाम का फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है।
और एग्ज़ाम आपके दिसंबर में है। एज ऑफ नाउ टेंटेटिव डेट शीट रिलीज हो गई है। थैंक यू।